शुगर हो रहा है, देख नहीं रहे अगले कत्ल कर लो फिरते ने। सर जी आज मुझे जल्दी छुट्टी दे दे प्लीज। बेटा एक मिनट ठहर जा, बाहर देख तो सिर्फ कत्लो घर ते उतरे ने। यार पानी के भरे हुए लिफाफे फेंक रहे हैं। बिजली इन्हां दी आ नहीं रही, पानी कित्थों आ रहा है? बाहर तो एहतजाज हो रहा है, आपने ये रस्सी से क्या पकड़ा हुआ है? मैं बांदर फड़ा है, रस्सी नाल दरवाजा बंद किया है, खुला सी एक बंदे ने मेरे ऐ चपेट मारी। ओहो सॉरी। शफीक थाने फोन करो यार। मैं आपको कहती नहीं थी करप्शन ना करे, मजा आया? ओ मैडम जी मेरी गल सुनो, तीन दिनों तो बत्ती गई है, दो ट्रांसफार्मर भेजे ने उड़ गए ने, साडा की कसूर है? मल्लेदारां लोकी गल समझान ते उन्हें पता लगी है गलत, और करप्शन का बत्ती जानना कितना लगे? क्यों आप लोग एक मिनट ठहर, मेरी तो ना वट देना। करप्शन की वजह से तो बत्ती नहीं आ रही ना। फोन करो यार फोन। हेलो इकबाल टोन थाना यार, इतने हमला हो गया साढ़े दफ्तर के उत्ते। हाँ जी बाहर कोई 250-300 बंदा है, सन मारन फिर है। ओहो जल्दी पहुंचो, क्यों अद्धा घंटा लेट क्यों आस? ओहो थाने की बत्ती भी गई। SHO साहब नान तू बैठे ने, मामला खराब हो जाएगा। नाना कोई जरूरी नहीं, इतने एहतजाज हो रहा है, उन्होंने किसी फंक्शन तो नहीं बुला रहे असी। हाँ जल्दी पहुंचो नहीं तो सानू मार देंगे। यार जल्दी बुलाओ यार। हाँ जी उन्होंने को भी है पेट्रोल वाले, जो छुट्टी दे पावांगे सर। जरा सुनो अगलावांगे की करेंगे, बोलो यार। सर जी मुझे लगता है पुलिस वाले एहतजाज कर रहे थे। मेरे ख्याल थक गए ने, काफी देर तो साढ़े पीछे पैसे चले थे नहीं गए, मेरे ख्याल चले गए ने। शुक्र अवाम के गुस्से से कौन बचाएगा आपको? कोई भी नहीं बचाएगा, मजा आएगा। कौन बचाएगा? उठ के जाओ समझाओ ना, वही तो बड़े खैरखाओ मुल्क दे। आपकी खैरखाई मैं कर तो रही थी, कह तो रही थी इतने अरसे से करप्शन ना करे ना करे, लोगों की मदद करे। ओ करप्शन का कोई तलक नहीं, लैट गई तीन दिन तू इस इलाके दी, हुन साडा की कसूर है? सर मेरी गल सुनो, देखो तुसी मजज भी लगदे, तुसी जाके इन्हां नूं समझाओ मोहब्बत नाल प्यार दे नाल। सर आप जाए शायद आपकी बुजुर्गी देख के मान जाए। मेरी बात सुनो शफीक, तुम थाने दोबारा फोन करो, वो आएंगे, ये पुलिस का काम है जी, मैं जाके क्या करूंगा? नहीं तो आपने जाके क्यों नहीं बात की अभी तक उनसे? देखो मेरा तत्ता दिमाग है, मैं बाहर गया ना कोई कत्ल हो जाएगा उन्होंने हथों। मुझे लगता है कि आपने जो कुछ उनके साथ किया है ना अब उन्हें फेस नहीं कर सकते। अच्छा मैं ना आज पता लगा वीना जी कि जी बुजुर्ग गल्ला करते ने सच्ची होंदी ने। बिल्कुल काली बिल्ली को लंघ जाए ना ये वो काम ना करो। तो आज मैं घरों निकले ही अन्नी दी बच्ची काली बिल्ली मेरे को हंसती नंगी की कर दिया। मैं आखे कोई नहीं है, मैं गल्ला ही बनी ने, लेकिन पता लग गया कि वाकई बुजुर्ग सच कहंदे ने। तू क्यों मुंह लमकाया है? सर आज मुझे रिश्ते वाले देखने आ रहे थे। उन्होंने इत्थे बुला लिया ताकि रौला ही मुक जाए। यहाँ बुला के तो रिश्ते कैंसिल हो जाएगा, क्या बात कर रहे हैं आप? आप वैसे कमाल है, आप मजाक भी उड़ा रही है साथ में हंसे भी जा रही है, मैंने भी हेल्प कर दे हमारी। तो जो कारकर्दगी वापडा वालों की इस मुल्क में रही है तो आवाम से ऐसी रिएक्शन की तवक्को है ना? हमने थोड़ी लाइट भेजी है, पीछे से लाइट का मसला है, वो तो होना ही है, पूरे मुल्क में हो रहा है। हाँ जी आई लाइट थाने दी। एक मिनट सिर्फ एक मिनट बैठ दियो। हाँ हाँ आ गई लाइट, आ गई वहां पे। नहीं जी अगवूर तू उ बैठा है नहीं दिया बचिया, इकबाल टाउन थाने की लाइट तो भेज। इतने बेड़े घर को बाहर दुनिया खलोती है, 250 बंदा दरवाजे से खलोता है वापडा दे, जल्दी करो। मेरे ख्याल है पूरे असल समेत आए ने। पानी तो पत्थर ही ने वैसे। सर पत्थर इतने बज रहे थे, ततीरियां निकले पर करके निकले बाहर। अच्छा भी पर दा मजा आया मैनु। सर कितने अरसे से काम कर रहे हो यहाँ पे तुम? सर मैनु 25 साल हो गए ना, हूं थली टायर होने वाला। मेरी दोस्ती को 10 साल हो गए, ऐसा ही है। हाँ जी अगर तुम चाहते हो कि सुनहरी हरूफ में तुम्हारा नाम लिखा जाए तो बाहर जाओ उनसे बात करो। उसके लिए मरना पड़ता है फिर तारीख में सुनहरी हरूफ से नाम आखिरी नैश गाली कर देती। मेरा शफीक बेहतरीन हीरो। हाँ जी है ना, जाओ बाहर, रोने वाली बात नहीं, बाहर जाओ जाके बात करो। सर सिर्फ तुम्हारी खातिर जा रहे हैं। जिंदाबाद शफीक, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। कोई स्ट्रेटजी बना के जाइएगा, ऐसे ना जाइए। स्ट्रेटजी क्या बनाऊ मैं? स्ट्रेटजी ये कि सीधा पैर ही पैना है, जान दो। वैसे भी ना रस्सी जल गई पर बल नहीं गए, अभी भी देख रही हैं आप, समझा रही हैं, समझ फिर भी नहीं रहे। अरे तुझे तो पैना रिश्ता तय कर लो है। अरे बिना ये होता है पता क्या होता है, उसे बेड़े घर को अगले इधर वेख कहने कहना बट्टा आ देखो ए भी गंदे लैके आए ने।
सर जी मेरा रिश्ता बड़ी मुश्किल से आया है, प्लीज आप चले जाएं, बाहर सब कुछ थम जाएगा और मेरी दुआएं अल्लाह आपके दर्जात बुलंद फरमाएगा। नहीं नहीं नहीं, कोई वैसे ही इज्जत बहुत ज्यादा, इस बार रिश्ते वाले फौत हो जाएंगे और कोई रिश्ता नहीं। ये आप जूता क्यों नहीं पहन के जा रहे? दौड़न दे विच आसानी होंदी है, खुदा दा नाम मनो। मेरा ख्याल है कि एहतियातन कोई सेफ्टी के लिए कोई चीज लेके जाए। हाँ, सेफ्टी के लिए रजाई है, सेफ्टी लिए मैं उत्ते पा लवा। ठीक सर, मैं तुम्हें गल दसा, छोटे अफसरान ना जल्दी कुटते ने, तुसी 19वें ग्रेड दे हो, तुसी जाओ। वैसे शफीक साहब आप तो काफी बारोब लगते हैं, यूं डरना आपका बनता नहीं था। अल्लाह करे एक छापर तेरी धौण च वजे, तेनू पता लगे कि असीं क्यों डरन डाए। सर तुसी जाओ, मेरी गल सुनो, तुसी ओ वड्डे अफसर, एक ते डर जांदे ने वड्डे अफसरां तों, एक वड्डे अफसरां ते हाथ नहीं चुकदे, दूसरी गल ए कि उन्हां पता कि वड्डे अफसर ते हाथ चुकांगे केस वड्डा बनेगा, मेरी वारी ते निक्का जिहा परचा होणा, तुहाडी वारी ते पूरा वापडा हिल जाणा। आपने जाके मेरे ख्याल तीन चार बंदे फटर करते ने। बिना आप देख रही हैं शफीक ने उनको तो बाहर भेज दिया और खुद यहाँ पर अब भीगी बिल्ली बन के बैठ गए। मैं कदों तेरे ना वादा किया मैं दुनिया को फतह कर लूंगा, जब टीपू सुल्तान तेरे सामने बनया तलवार कट के मैं आठमा की थी यहाँ हूँ। एक मिनट, मेरे का थाने फोन है। जी सर, जी सर, शफीक बोल रहे हैं, जमान पार्क। वो सारे थे इरफान पार्क वाले आए नहीं, वो सन बाहर निकल नहीं दे रहा है। वो सारे बच्चों के तो चेक करांगे ना, उतने कितने कुंडा पाया है किसी ने। ओहो, जमान पार्क में बिजली चोरी हो रही है क्या? सर वे एक और नवा रौला तुम पा रहे हो, जिन्ना इतने रश है ना इस ज्यादा उत्थे होंगे। अगले दिन पुलिस नहीं बढ़ता जी, एडी तगड़ी होंगी है जी। सर मैं भेजदा कोई बंदा जी, बच गया थे। हाँ, बच्ची के रिश्ते का सवाल है, तेरा भी दस्ता है उत्थे। अच्छा, बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही, मुझे लग रहा है कि नेगोशिएशंस कामयाब हो गई हैं। हाय अल्लाह। इसको मंगना ले अंदर बाड़ गया ले। साहब, अरे मुजाकरात नाकाम। सर नहीं, मेरे पास बता ना, दूर चले जाओ। चंगा भला अफसर गया सी, उन्हें 90 दी हीरोइन बना के भेजता। सर होया की? मैं जाके सिर्फ एक ही गल की थी। ओहो, पता नहीं बंदा कौन सी जिन्हें मैंने पहला सुन पा रही है यार। मैनू माफ कर दो। चुप कर जाए, माफ कर दो यार, रिश्तेदार रौला पिया। जो कुछ हुआ इसके जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। तुमने मुझे कन्विंस किया, अब बाहर जाओ। तो आपने एसडीओ साहब को भेजा है? एक मिनट सर, हुने इकबाल टाउन थाना इतने भेजो, तो साहब नु कोटता उन्होंने, जल्दी भेजो उन्होंने। हेलो अम्मी जी, आ गए रिश्ते वाले? शफीक साहब रिश्ते वाले आ गए भाई, बड़े थोड़े ने ना जल्दी आ गए ने। शफीक साहब बिस्किट भी खाने शुरू कर दिए उन्होंने। मंगनी होनी है ना तेरी, वीडियो कॉल तो कर ले। अम्मी जी ये शफीक साहब है जी, यहाँ पे बाहर ना उन्होंने वावेला मचाया हुआ है, लोग पत्थर मार रहे हैं हमारे ऑफिस पे, एसडीओ साहब को भी नहीं बख्शा। शफीक साहब मेरी सास मुझे बातें सुनाना शुरू हो गई हैं। अरे रिश्ता तेरा हो नहीं तो बातें सुनाना शुरू भी हो गई है। एक बार ठोल थाना ओए होए, रिश्ते वाले थे बिस्कुट भी चट कर गए ले उन्हें।